राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पर बीते दिनों हाथरस में हुए बर्बर लाठी चार्ज को लेकर मुजफ्फरनगर में महापंचायत रैली आयोजित की गई। महापंचायत में मौजूद कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनके नेता जयंत चौधरी पर सोची समझी साजिश के तहत हमला करवाया गया। अगर वो लोग वहां अपने नेता को बचाने के लिए ना आते तो बड़ी घटना हो सकती थी। रालोद के कार्यकर्ताओं ने जयंत चौधरी के साथ हुई घटना को चौधरी चरण सिंह के परिवार के मान सम्मान के साथ जोड़ दिया है। वहीं जयंत चौधरी ने उनके साथ हाथरस में लाठी चार्ज को किसानों पर हमला बताया। जयंत चौधरी पर हाथरस में हुए लाठी चार्ज के वक्त वहां मौजूद कार्यकर्ता जिन्होंने ढाल बनकर जयंत चौधरी पर लाठी चलने से उनको बचाया, उन्हीं की जुबानी सुनिए आखिर वहां क्या हुआ था। जैसे जयंत जी वहाँ पर एक आपने देखा होगा वीडियो, एक सम्मानित चैनल है उसको फाइट देने लगे, पीछे से लाठी चार्ज हो गया। पहली लाठी मेरे सर पे लगी, मैं गिर गया। उसके बाद बाकी लोग सीधे हाथ की तरफ चले गए और आप देखिए उस लाठी चार्ज में ये नहीं लगता है कि उन 11-12 लोगों को वो खाली इसलिए पीट रहे हैं कि वो वहाँ व्यवस्था बनाना चाहते हैं जी, ऐसा नहीं लगता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी तरीके से जयंत जी तो खाली बाइट दे रहे थे और सब ठीक हो गया था, कहीं पर कोई अव्यवस्था नहीं थी। एकदम से वहाँ ADM ने और जो वहाँ पर पुलिस दल था उन्होंने हमला बोला है। और अगर मैं कहता हूँ कि बसंत जैसे कार्यकर्ता या हमारा जो पठान है गज्जू पठान है उस जैसा कार्यकर्ता वहाँ मौजूद नहीं होता, योगेश भविष्य वहाँ मौजूद नहीं होते, या हमारे गुड्डू जी वहाँ मौजूद नहीं होते, या हमारे सुनील लोटा वहाँ मौजूद नहीं होते, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है आज सब लोगों को। चौधरी साहब पे लाठी चार्ज नहीं हुए, किसान बिरादरी पर लाठी चार्ज हुआ है। और रही बात उसकी, हमारे खून का पानी नहीं हुआ अभी, हमारा खून गर्म की लाली है और आन बान और शान के साथ में चौधरी साहब के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। सब कुछ प्री प्लान था, प्री प्लान सब कुछ करा गया था, बैरिकेडिंग करने के बाद में 15-20 आदमी का लाठी चार्ज किया गया ताकि किसी एक पे, और ये लाठी चार्ज 20 पर आज का लाठी चार्ज किया गया। जयंत चौधरी को अंदर घेर के लाठी चार्ज करने का काम किया गया ना कि किसी एक कार्यकर्ता लाठी चार्ज, जो कार्यकर्ता वहाँ पे माधुरी का जमा देते तो ये लाठियाँ कार्यकर्ताओं पर नहीं चौधरी साहब पर चलती है, और चौधरी साहब पर नहीं ये किसानों पर चलती है लाठी चार्ज। लेकिन हम जयंत जी के साथ आदरस में पहुंचे जी, पीड़ित परिवार था, जयंत जी उसी मेले के लिए वहाँ पे जा रहे थे जी। तो प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, तो जयंत जी के पास परमिशन थी, अपनी 5-6 आदमियों की परमिशन उनके पास थी जी। तो जयंत जी और जयंत जी के साथ विजय से पुलिस का प्री प्लान सब कुछ पहले ही प्रोग्राम तैयार था, क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया गया, जयंत जी के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। जो ये लाठी चार्ज है ये जयंत जी के ऊपर नहीं, हमारे ऊपर नहीं, किसान कौम के लिए लाठी चार्ज है, किसान कौम के ऊपर लाठी चार्ज है, युवाओं के ऊपर लाठी चार्ज है। अब देखना अहम होगा कि हाथरस में जयंत चौधरी पर हुए लाठी चार्ज से गरमाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत का लखनऊ में क्या असर देखने को मिलेगा।